इस वक्त मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूँ और अस्पताल आपको क्यों दिखा रहा हूँ इसका पहले मैं कारण बता देता हूँ। ये दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है और गोरखपुर में जो अस्पतालों की व्यवस्था है जिस पे लगातार इनसाइड भारत टीवी आपको कवरेज दे रहा है और उनकी सच्चाई बता रहा है कि किस तरह से गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल वाले इलाज के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल और मेरे सामने ठीक एम्स है, दिल्ली का एम्स अस्पताल। गोरखपुर में भी एम्स खुल गया है लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी जो सुविधाएं दिल्ली एम्स में हैं वो गोरखपुर एम्स में नहीं है। अब कैमरा मेरी तरफ रखिए और सच्चाई जो गोरखपुर के प्राइवेट अस्पतालों की वो है वो ये है कि गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट एम्बुलेंसों से मरीज खरीद कर और उन्हें उनका जिस हिसाब से शोषण करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दयनीय है। मैं इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूँ और गोरखपुर का एक बेटा यहाँ पे डॉक्टर है, इनसे आज मुलाकात हुई और चूंकि हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए, बतानी चाहिए किस तरह से यहाँ पे यहाँ के डॉक्टर ईमानदारी से और सेवा भाव से काम करते हैं, वो आपको मैं दिखाना चाहता था। ऋषभ, डॉक्टर ऋषभ मेरे साथ हैं। डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ एक बार इनसाइड भारत टीवी पे। गोरखपुर छोड़ के दिल्ली में आप डॉक्टर एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं सफदरजंग अस्पताल में और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गोरखपुर, चूंकि आपने देखा हुआ है गोरखपुर के प्राइवेट अस्पतालों को देखा हुआ है और ये सफदरजंग अस्पताल है, दिल्ली के अस्पतालों को भी आपने देखा, क्या अंतर पाते हैं? अंतर तो देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली के अस्पतालों में और बाकी गोरखपुर को लिया जाए या फिर गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी के अस्पताल को अगर लिया जाए तो दिल्ली के कंपैरिजन में सारे अस्पतालों में दिक्कत तो होती हैं और दिक्कत वन बाय वन करके बताऊंगा आपको दिक्कत क्या क्या होती है। मरीज़ बहुत परेशान होते हैं, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से दूर से यहाँ पे आना पड़ता है उनको, बावजूद इसके कि एम्स है, पटना एम्स है, पटना के लोग भी तब भी यहाँ पर आते हैं, लोग गोरखपुर एम्स है लेकिन फिर गोरखपुर के लोग भी यहाँ पर आते हैं, लखनऊ PGI है, लखनऊ राम मनोहर लोहिया है और KGMC है, बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं लेकिन बावजूद इसके वहाँ से लोगों को आना पड़ता है, मरीज़ परेशान होते हैं, 1000 किलोमीटर से कोई आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है। दिक्कत ये होती है कि वहाँ के, सबसे पहली बात तो ये कि गोरखपुर का जो एम्स मेडिकल कॉलेज जो वहाँ पर खुला हुआ है वहाँ पर अभी तो इतनी सुविधा है ही नहीं फिलहाल, वहाँ के डॉक्टर से भी आप बात करेंगे तो। ऋषभ, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं जब कल आया तो मैंने देखा कि गोरखपुर से कुछ लोग आए हुए थे और उनकी आप हेल्प कर रहे थे जी। किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स आती हैं और उनकी हेल्प आप कैसे कर पाते हैं? प्रॉब्लम जैसे देखिए, अब हमारे साइड से जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, किसी को एम्स में दिखाना होता है, किसी को सफदरजंग में दिखाना होता है, तो यहाँ पे ना नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो होने चाहिए इतना है नहीं क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ इतनी ज़्यादा है, मरीज इतने ज़्यादा लोग हैं कि डॉक्टर भी नहीं उसको संभाल पाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स को भी होती हैं और मरीज को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। मरीज़ को प्रॉब्लम सबसे आते ही, घुसते ही सबसे पहले प्रॉब्लम क्या झेलनी पड़ती है, मरीज़ घुसता है अस्पताल में, ये लंबी लाइन लगी हुई है, 500 मीटर 600 मीटर की लंबी लाइन ऐसे जिग जैग करके लाइन लगी हुई है और आपको, आप देखेंगे तो कहेंगे लग रहा है कोई बवाल हो गया, क्या हो गया, कोई इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन असल में वो बवाल की भीड़ नहीं है, मरीज परेशान है, मरीज आया है, जस्ट घुसा है वहाँ पे अस्पताल में, सबसे पहली प्रॉब्लम उसकी ये है कि लाइन में लगना है पेपर बनवाने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम देखिए, 11:30 बजे तक पेपर बनता है, OPD का जो पेपर बनता है 11:30 बजे तक बनता है, आदमी पहले 1000 किलोमीटर दूर चल के आता है, मरीज आएगा फिर अपने मरीज को रख के या फिर खुद मरीज होगा वो लाइन में लगेगा 3-4 घंटे लाइन में लगेगा, हो सकता है कि 3 घंटे के बाद भी वो इतने दूर खड़ा हो लाइन में कि हो सकता है 3 घंटे के बाद भी उसका पेपर ना बन पाए, समझ रहे मेरी बात को, अगर पेपर बन भी गया तो कैसे, मतलब कि मोटी मोटा ये पेपर बन भी गया तो इतना लंबा डॉक्टर के पास जाने के बाद इतनी लंबी लाइन होती है, इतना टाइम वहाँ पे लग जाता है कि हो सकता है कि उस दिन सुबह ना देख पाए, शाम तक देख पाए, तब तक ये यहाँ पे, अब बातें प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती हैं, मरीज ही झेलता है उस चीज़ को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन जैसे मान लीजिए जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए तो वहाँ पे अगर व्यवस्था कर दी जाए तो उनको वहाँ पे नहीं आना पड़ेगा? देखिए सलूशन वो भी है,
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल, और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना फंड देती है, इतना फंड देती है कि हम आप इस चीज़ को सोच ही नहीं सकते कितना फंड आता है। मरीज सोच ही नहीं सकता उतना, हम लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कितना फंड आता है। उतना अगर कायदे से अगर खर्च किया जाए वाकई में अस्पताल पे, तो और मैन पावर बढ़ाई जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और दूसरी बात यह है, जितना अब ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, गोरखपुर का एम्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बजट उसका ऐसा नहीं है कि अभी बजट नहीं आ रहा होगा, हर सत्र में बजट आ रहा होगा उसके लिए, किसी ना किसी काम के लिए उसका बजट आ रहा होगा, फंड आ रहा होगा, उसका टेंडर उठ रहा होगा उसका। लेकिन अभी मुझे लगता है 2 या 3 साल हो गए ना उसको उपड़ी रन करते हुए, भी शायद उसका 2 साल हो चुका है। लेकिन 2 साल में अगर एक अस्पताल को, अगर अब निजी अस्पताल अगर किसी का होगा, अगर उसको निजी अस्पताल अगर आपको खोलना है या मुझे खोलना है, तो मुझे लगता है 6 से 7 महीने या फिर 1 साल में अस्पताल बहुत बढ़िया तैयार होकर खड़ा हो जाएगा, अगर उसको खड़ा किया जाएगा वाकई में तो। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का काम है और आम लोगों के लिए, तो इसलिए जल्दी नहीं हो पाता है। आम लोगों के लिए बात ये भी है ना कि अब जिनको मुद्दा उठाना है, इनके लिए जिनको मुद्दा उठाना है, वो लोग पॉलिसिंग में लगे हुए हैं अपने नेताओं के, ठीक है, उनको उसी चीज़ से फुर्सत नहीं है। जैसे अब क्या है, गांव से, हमारे गांव से कोई आया तो मैं अपने गांव के, मेरे गांव का जो मरीज होगा वो मुझे फ़ोन करेगा कि भाई हमारे गांव के डॉक्टर साहब हैं, हम वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद कर देंगे। अब हम अगर इस सेखी में रहेंगे कि नहीं, हम तो गांव में अपने अकेले डॉक्टर निकल गए, हम कैसे तुम्हारे सुन लिया, तो हम तो तुमसे बड़े हो गए। कुछ छोटे नेता भी होते हैं जो गांव से निकलते हैं, उभर के आते हैं, तो उनको भी उस चीज़ में मदद करनी चाहिए। जैसे कोई प्रतिनिधि निकला गांव से, हमारे गांव से भी निकलते हैं, आपके गांव से भी निकले होंगे, छोटे मोटे प्रतिनिधि निकलते हैं बड़े नेता के पास, उठना बैठना सब कुछ होता है उन लोग, खाना पीना सब कुछ होता है उन लोग, तो वो लोग केवल अपनी ना राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं कि कैसे 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 वो लोग अपना ना अपना बना लें बस, और कुछ नहीं है। अब जैसे गांव के लोगों को के लिए क्या करना चाहिए उनको, जब तुम नेता बने और अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अपने गांव का कर रहे हो, छोटे छोटे गांव से जो लड़के निकल के आते हैं, उनको उनके लिए खड़ा होना चाहिए। हालांकि वो खड़े नहीं हो रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो गुटखा खाक पड़े हुए हैं, शराब पड़े हुए हैं, 5 इलेक्शन का टाइम आएगा, 2000 रुपये खर्च करेंगे उस दारू और शराब पे, फिर वोटिंग हो जाती है, तो वो समाज सारी चीज़ें हैं, जैन होता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाद में अब देखिए, इनका जो गुस्सा निकल रहा है बहुत जायज़ गुस्सा निकल रहा है, निकलेगा क्यों नहीं। अब ये महीने भर से ज़्यादा से होंगे यहीं पड़े होंगे, इनका प्लास्टर बता रहा है कि इनका प्लास्टर बहुत पुराना है, समझ गए आप, तो ये सारे सुनूंगा लेकिन कायदे से आप फिर यार तुम बोल रहे हो बीच में, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अब मैं अब बोलूंगा नहीं, बात होगी, दिक्कत होगी तो मैं आपकी अभी हेल्प करूंगा, एक मिनट अब अगर आप बोले तो मैं नहीं सुनूंगा, नहीं बोले तो पक्का सुनूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अब नहीं बोले तो पक्का सुनूंगा, अब बोल दिए तो नहीं सुनूंगा, समझ रहे हो, मेरी भी बात समझो, थोड़ा सा बात हो जाए फिर आता हूं। अब मोटी मोटे आप मुझे ये बताइए कि लगभग कितना दिन हो गया आपको यहाँ। मेरे को सर 1 महीना करीब 5 तारीख को पिछले महीने आया था मैं सर, और आज जो है सर आपका 17 तारीख हो गया, 16 तारीख, तो 5 जून से लेकर, तो मतलब 1 महीना 11-12 दिन हो गया। और मैं पड़ा हुआ हूँ सर, और डॉक्टर साहब 15 दिन से यही कह रहे हैं कि, डॉक्टर साहब का नाम क्या है, मेरे पास कार्ड है सर, मैं ला कर दिखाऊँ आपको, लेते आइए, लेकिन अगर मतलब अभी हम नाम इसको मेंशन कर देंगे तो सब मिला जुला के, अभी आप रह कहाँ रहे हैं ये बताइए हमको। मैं सर यहीं रहता हूँ सर, फुटपाथ पे धक्के खाता हूँ। दोस्त थोड़ा सा ये दिखाइए, ये नज़ारा दिखाइए, अगर देश की व्यवस्था सही रहती तो ये लोग यहाँ पे नहीं होते, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप इधर दिखाइए थोड़ा, आप पूरे फुटपाथ पे लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जो बहुत बड़ा दावा करते हैं ना कि सबका इलाज हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल का ये दिल्ली है, थोड़ा और आगे आ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए, तो ये सारी समस्याएं हैं और इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस चाचा के साथ ये तमाम लोग जिनकी ये तकलीफें हैं, इस तकलीफ को समझना होगा, और इस तकलीफ को जब तक समझा नहीं जाएगा तब तक ये आम जनता के बारे में हम लोग सदन में छाती पीटते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।